तीसरा टॉपिक है इसका नाम है धातु आधिक्य दोष, दूसरा धातु आधिक्य दोष, ये पढ़ाना है। टॉपिक का नाम लिख लेंगे तो धातु आधिक्य दोष यह लिखेंगे पहले। दूसरा टॉपिक जिसका नाम है धातु आधिक्य दोष, यही चलेगा अभी। अब देखिए धातु आधिक्य दोष पहले फिगर समझ लीजिए कि धातु आधिक्य होता कैसे। धातु आधिक्य दोष पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं सो बताइए। धातु आधिक्य दोष पढ़ा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, फिर भूल गए ना। आप अपने कॉपी में देखिए, बोर्ड पर हम लिख दिए इसका मतलब नहीं कि नहीं पढ़ाए हैं, हम जानबूझकर लिखे हैं। बताइए पढ़ा दिए हैं ना, लेकिन एक भी छात्र वहां से नहीं बोले कि नहीं पढ़ाए। देखिए जब जो नहीं आता है वही बोल देता है कि नहीं पढ़ाए। आज पढ़ाना है हमें, बोलिए फिर से कौन सा दोष पढ़ाना है। नॉन स्टाइकियोमेट्री का दूसरा पॉइंट पढ़ाना है और उसका नाम है धातु न्यूनता दोष। उसका क्या नाम है, यही पढ़ाना है, यही पढ़ाना है ना। हाँ अब याद आया। चलिए सिर्फ 15 मिनट बचा है, 15 मिनट में हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद मैथ का क्लास शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले धातु न्यूनता दोष को हम समझेंगे कैसे, पहले इसके बारे में देख लें कि धातु न्यूनता दोष को समझने के लिए अगर हम जानते हैं कि Fe2+ और Fe2+ तीनों मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, हुआ कि नहीं इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2+2+2। और दूसरा एक ऑप्शन आता है Fe3+ और Fe3+, इसका भी होता है 6 इलेक्ट्रॉन, होता है कि नहीं, डायरेक्ट यहां दिख रहा है आपको। अब इसको समझने के लिए क्या करना है, यहां पर हम लिखेंगे Fe2+, यहां पर लिखना है O2-, फिर यहां लिखना है Fe2+, यहां पर लिखना है O2-, फिर यहां लिखना है Fe2+, यहां पर O2-, -2 ही लिख दीजिए, -2 ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहां पर लिखेंगे Fe+2, यहां पर लिखेंगे O-2, यहां पर लिखेंगे Fe+2, यहां पर लिखेंगे O-2, यहां पर लिखेंगे Fe+2, यहां पर लिखेंगे O-2, फिर लिखेंगे यहां पर Fe+2, यहां पर लिखेंगे O-2, यहां पर Fe+2 और यहां पर O-2, फिर यहां पर Fe+2 और यहां पर O-2, ऐसा लिखेंगे, है ना लिखा हुआ। समझ गए। अब देखिए यहां पर Fe2+ है मेरे पास कितने, Fe2+ है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। Fe2+ है मेरे पास 9 गो। और O-2 वाला कितना है, O-2 वाला जो है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सात आठ नौ, ओ टू माइनस भी है, ओ माइनस टू ये भी है मेरे पास, नौ। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉइकियोमेट्री दोष, इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉइकियोमेट्री दोष, इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉइकियोमेट्री दोष। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को लिखेंगे इस साइड में, एफ ई प्लस टू ओ माइनस टू, एफ ई प्लस टू ओ माइनस टू, एफ ई प्लस टू ओ माइनस टू, और यहाँ पर लिख देंगे एफ ई प्लस थ्री और ओ माइनस टू, यहाँ पर लिखेंगे एफ ई प्लस टू ओ माइनस टू, यहाँ पर भी लिख देंगे एफ ई प्लस थ्री और ओ माइनस टू, और फिर यहाँ पर लिखेंगे एफ ई प्लस टू ओ माइनस टू, और यहाँ पर खाली स्थान छोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ओ माइनस टू। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें हो गया कि एफ ई कितना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात हो गए मेरे पास एफ ई, एफ ई हो गया सात, और ओ हो गया मेरे पास, ओ हो गया कितना आठ, सात है एफ ई वाला और ओ है आठ, लेकिन पावर देखिए, पावर अगर देखा जाए तो ये प्लस टू दो दो चार दो छः तीन नौ दो ग्यारह तीन चौदह दो सोलह, सोलह है एफ ई बराबर प्लस सोलह है यहाँ, और ओ टू में देखिए ओ टू में कितना है, दो ओ टू में भी क्या है, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह दो सोलह, ऑक्सीजन में भी है माइनस सोलह, दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, चार प्लस सोलह और माइनस सोलह है, क्यों, चूंकि एफ ई प्लस टू के फॉर्म में भी रहता है, एफ ई टू में भी तथा एफ ई प्लस थ्री दोनों दिखाता है, दोनों दिखाता है, पहले दोनों दिखाता है, लेकिन यहां पर एफ ई धातु की संख्या कम है, यहां पर एफ ई धातु की संख्या क्या दिख रही है आपको, कम, यहां पर भले ही एफ ई थ्री एफ ई थ्री यहां वाला को खाली रखा गया, इसी को हम लोग बोलते हैं धातु न्यूनता दोष, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग धातु न्यूनता दोष, मतलब एफ ई टू प्लस के जगह, एफ ई टू प्लस के जगह यहां पर जो एफ ई टू प्लस था यहां से इसको हटा दिया और यहां पर एफ ई थ्री प्लस हो गया और यहां पर एफ ई थ्री प्लस हो गया, दो जगह हो गया एफ ई थ्री प्लस, और यहां पर खाली रहने के बावजूद भी प्लस सोलह और माइनस सोलह में कोई डिफरेंस नहीं आया, बस इसी बात को लिखिए, पहले पहले इधर बना लीजिए, इधर बना लीजिए, उसके बाद आगे हम पॉइंट लिखाते हैं कि एनसीईआरटी आपके लिए धातु न्यूनता दोष में क्या क्या सब पॉइंट दिया है और किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले बना लीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए क्योंकि टाइम कम है, आज क्लास आधा घंटा ही है केमिस्ट्री का।
लिख लिए, मिटा दें। चलिए अब एनसीईआरटी क्या लिखा है ये तो समझने के लिए था, एनसीईआरटी के अनुसार भी तो चलना है क्योंकि प्रश्न तो एनसीईआरटी से ही बनेगा। तो पॉइंट पहले लिख देते हैं, पॉइंट हम लिख देते हैं जैसे जैसे एनसीईआरटी लिखा है इसको हमको समझाना है और याद भी कराना है। तो पहला पॉइंट, पॉइंट दिख रहा है पहला, हाँ पहला पॉइंट है कि कई ऐसे ठोस हैं, लिखिए कई ऐसे ठोस हैं जिन्हें स्टॉइकियोमेट्रिक संगठन में बनाना कठिन होता है। दूसरा, इनमें स्टॉइकियोमेट्री अनुपात की तुलना में, इनमें स्टॉइकियोमेट्री अनुपात की तुलना में मात्रा कम होती है। फिगर में दिख रहा है कि आयरन इसमें एक कम है। तीसरा पॉइंट, FeO में यह अधिकतर Fe 0.95 और O संगठन में पाया जाता है। चौथा पॉइंट, वास्तव में Fe 0.93 से Fe 0.95O तक की परास में होता है। ठीक है, परास में होता, परास में मात्रा कम होती है, मात्रा कम होती है। पहला ये में पाया जाता है, परास में होती है। एक पॉइंट और है, पांचवा पॉइंट, सिर्फ लास्ट पॉइंट है कि FeO के क्रिस्टल में से कुछ क्रिस्टल, कुछ Fe2 प्लस धनायन लुप्त हो जाते हैं। और धनावेश की पूर्ति पूर्ति या क्षतिपूर्ति आयनों की आवश्यक संख्या से होती है।
पहले लिख लें जल्दी जल्दी, 11 बजने पर है। आप देखिए यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको ठोस अवस्था, और यह ठोस अवस्था में टॉपिक है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। कौन सा दोष है? तो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष है। तो इसमें देखिए ये है धातु न्यूनता दोष। कौन सा दोष है? धातु न्यूनता दोष। इसे समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले एग्जाम्पल आपको दिखाया जाए। एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं, यहां पर देखिए कि Fe2+ और Fe2+ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और Fe3+ और Fe3+ दोनों मिलाकर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले तो इस बात को समझना है, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। और इसे कहते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्री दोष। माने स्टोइकियोमेट्री यहाँ मेंटेन हो रहा है, जितना Fe2+ है उतना ही जितना Fe2+ है उतना ही O2- है, यहाँ कोई अंतर नहीं है। ये जितना 9 है तो ये भी 9 है। ये हुआ स्टोइकियोमेट्री, मतलब दोनों मेंटेन कर रहा है। लेकिन पढ़ रहे हैं हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। इसमें FeO के क्रिस्टल में से कुछ Fe2+ धनायन लुप्त हो जाते हैं और धनावेश की क्षतिपूर्ति या पूर्ति आयनों की आवश्यक संख्या से होती है। अब यहां पर देखिए Fe2+ O2-, यहां पर संख्या था Fe का 7 और ऑक्सीजन का था 8, लेकिन आयन अगर ये दो Fe3+ अगर आ जाता है दो मिलकर, तो यहाँ का मेंटेन कर देता है आयन को। तो यही इसमें कहता है FeO के क्रिस्टल में कुछ Fe2+ धनायन लुप्त हो जाते हैं, यहाँ से लुप्त हो गया, और धनावेश की क्षतिपूर्ति आयनों की आवश्यक संख्या से होती है। ये दोनों मिलकर, तीनों मिलकर होता 6, लेकिन यह दोनों मिलकर ही पूरा दिया, और यही पांचवा पॉइंट कहता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ Fe0.93 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है Fe0.95। इसका मतलब क्या हुआ कि Fe अगर मेरे पास 95 होगा तो O मेरे पास 100 होगा। इसका मतलब अगर Fe0.95 है तो ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। इसका कॉन्सेप्ट ये मतलब हुआ कि ये 95 अगर है, 0.95, तो ऑक्सीजन के पास अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसको हम एक समझेंगे। अगर इसको हम 100 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 95 और ये हो जाएगा 100। यहाँ पर Fe की संख्या क्या है? कम है ऑक्सीजन के मुकाबले, देख रहे हैं। इसीलिए टॉपिक का नाम हो गया आपका धातु न्यूनता दोष। कौन सा दोष? कौन सा दोष हो गया? उधर से बोले,